हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे और जानते हैं इसके इस साल के बजट में क्या है खास। बात करते हैं नई रेल लाइन की, तो पिछले साल इसको 205 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था और इस साल इसको 285 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। पहली एक रेल लाइन आती है अक्कन्ना पेट मेडक करके, 17.20 किलोमीटर की रेल लाइन है। इसके लिए जो एस्टिमेट था वो 30 करोड़ था कैपिटल से और सेफ्टी फंड था वो 21.76 करोड़ था जो कि मिल चुका है रेलवे को और इस पर 40 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुका है। ये लाइन लगभग रेडी है, स्टेशंस भी बन चुके हैं और इस साल इसके लिए बजट भी अलोकेट नहीं हुआ है, बस इस पर ऑपरेशंस होना अभी बाकी हैं। जैसे इसके ऑपरेशंस स्टार्ट होंगे मैं आपको अपडेट करूँगा। फिर एक और रेल लाइन है भद्राचलम रोड सुट्टुपल्ली, तो ये आप देख सकते हैं रेल लाइन है, नई रेल लाइन है और सुट्टुपल्ली के आगे भी ये एक्सटेंड होगी। इसके लिए जो एस्टिमेट था, चूँकि काफ़ी पुरानी रेल लाइन है तो 145 करोड़ और डिपॉजिट था 618 करोड़ रुपए। बात करें इस पर अभी तक 120 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, पर आज की डेट में 120 करोड़ रुपए से कुछ भी नहीं होता है। तो बात करते हैं इस साल इसके लिए 100 करोड़ रुपए EBR के थ्रू अलॉट हुआ है और 62 करोड़ रुपए इसका डिपॉजिट हुआ है सेफ्टी फंड में। काफ़ी टाइम लगेगा, अभी तक इसके ग्राउंड पे ज़्यादा कुछ प्रेजेंस है नहीं। फिर बात करते हैं नाडीकुडे श्री कालाहस्ती, एक 300 किलोमीटर की नई रेल लाइन है और ये आप देख सकते हैं कि जो तेनाली जंक्शन से जो चेन्नई श्री कालाहंडी को रेल लाइन जाती है उसके थोड़ा सा पैरेलल एक रेल लाइन है। इसके लिए भी अगर बात करें तो इस साल डिपॉजिट हुआ है 1351 करोड़ रुपए और EBR के थ्रू इसमें भी 150 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहा है। फिर एक रेल लाइन है मुनीराबाद महबूब नगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुनीराबाद से चालू होगी। इसके लिए इस बार थोड़ा बजट अलोकेट हुआ है 210 करोड़ रुपए का और 79 करोड़ रुपीज इसमें डिपॉजिट हुआ है। अब हम बात करें महबूब नगर से, अगर आप देखो कृष्णा तक की जो रेल लाइन है एक, वो रेल लाइन आप देख सकते हैं मकताट तक कंप्लीट हो चुकी है और कृष्णा और उसके बीच में कुछ काम बचा है, तो ये उस काम के लिए पैसे अलोकेट होंगे। फिर रायचूर से लेके कराटगी तक भी रेल लाइन पर काम चल रहा है, तो इस साल इस पर हम काफ़ी काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर है आपकी एक नई रेल लाइन कोटीपल्ली नरसापुर, और इसके लिए एस्टिमेट है 1100 करोड़ रुपए और इसके लिए इस साल डिपॉजिट हुए हैं 358 करोड़। फिर मनोहराबाद और कोटापल्ली एक रेल लाइन है, इसमें छोटा सा एक पोर्शन आप देख सकते हैं बन चुका है, इस पर अब तक 222 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पिछले साल इसको 104 करोड़ रुपए मिला था, इस साल इसको 60 करोड़ रुपए मिला है कैपिटल से और डिपॉजिट इसके लिए हुआ है 100 करोड़ रुपए। फिर कुडप्पा बेंगलोर का जो बंगारपेट है कोलार के पास, अभी आपने KGF मूवी में सुना भी होगा कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में, तो इसका एस्टिमेट था 959 करोड़ रुपए और इसके लिए अब तक 215 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं और 279 करोड़ रुपए का इस बार इसके लिए डिपॉजिट किया गया है। फिर कुछ नई रेल लाइंस का प्रपोजल है, जैसे माचेराला नालगोंडा काकीनाड़ा पीठापुरम बिल्लूपुरम जनपहाड़ मल्ला चेरूब जनपहाड़ और गुडूर दुर्गराज पत्तनम और भद्राचलम कोबरूर, बट इनके लिए अभी तक कोई भी फंड अलोकेट नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं डबलिंग की, तो एक हमारी रेल लाइन है दौंड से ये आपकी है गुलबर्गा, तो गुलबर्गा आप देख सकते हैं और इसके बीच में अगर हम बात करें तो कुछ पोर्शन इसका कंप्लीट हुआ है, इसके लिए इस साल 100 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट हुआ है। आप देख सकते हैं मुनुखेड़वाड़ी से सोलापुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, डबलिंग पूरी हो चुकी है और डोंड से खुर्दवाड़ी के बीच में थोड़ा सा पोर्शन डबलिंग पे अभी काम चल रहा है, डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर बात करते हैं विजयवाड़ा
गुड़ीवड़ा भीमावरम नरसापुर और गुड़ीवड़ा मछलीपत्तनम और भीमावरम नडबोलू, इसका डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है डबलिंग प्लस इलेक्ट्रीफाइड। इसके लिए 238 करोड़ रुपए इस साल अलोकेट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है 1386 करोड़ रुपए और 62 करोड़ रुपए EBR के थ्रू खर्च हुआ है। तो भीमावरम और नरसापुर के बीच में डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी है। भीमावरम निडब दबोलू के बीच में भी ये काम जारी है, बाकी काम कंप्लीट हो चुका है। फिर बात कर लेते हैं काजीपाट विजयवाड़ा, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन प्लस थर्ड लाइन, इसके लिए 250 करोड़ रुपए EBR से और कैपिटल से 342 करोड़ रुपए। विजयवाड़ा गुडूर थर्ड रेल लाइन के लिए 1000 करोड़ रुपए। विजयवाड़ा गुड़ीवाड़ा भीमावरम नरसापुर ये मैंने आपको भी बताया। मोटूमारी काजीपेट छोर व जगत्याल जो ब्रांच लाइन है उसके लिए 2 करोड़ रुपए। गुंटूर तेनाली डबलिंग इसके लिए 52 करोड़ रुपए। काजीपेट वल्लारसा इसको छोड़कर जो थर्ड रेल लाइन है उसके लिए 202 करोड़ रुपए कैपिटल से और 384 करोड़ रुपए EBR के थ्रू अलोकेट हुए। फिर विजयवाड़ा काजीपेट जो बाईपास रेल लाइन है इसकी भी डबलिंग के लिए 173 करोड़ रुपए कैपिटल से और 180 करोड़ रुपए EBR के थ्रू अलोकेट हुए। गुंतुकाल गुडूर ये 400 किलोमीटर की रेल लाइन है, इसकी भी डबलिंग के लिए 372 करोड़ रुपए कैपिटल से और 431 करोड़ रुपए EBR के थ्रू अलोकेट हुए। अकोला धोन बारस्ता पूर्णा मुखदेड़ बारस्ता ये बाईपास रेल लाइन के लिए 5 करोड़। अब बात करते हैं गुंती धर्मावरम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मावरम से गुटी जंक्शन तक का इसके लिए 80 करोड़ रुपए कैपिटल से 20 करोड़ रुपए EBR के थ्रू अलोकेट हुए हैं। कुछ कुछ पोर्शन इसका डबलिंग रह गया है, बाकी 80% पोर्शन इसका लगभग कंप्लीट हो चुका है। बात करें सिकंदराबाद महबूब नगर की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिकंदराबाद से फलकनुमा तक लोकल रेल लाइन है उमद नगर तक, इसके लिए 100 करोड़ रुपए कैपिटल से और EBR के थ्रू 50 करोड़ रुपए अलोकेट हुए हैं। थोड़ा सा पोर्शन महबूब नगर से गोलापल्ली के बीच में रह गया जो इस साल तक होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। ये था मेरा SCR का बजट एनालिसिस, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही अगला आप किस जोन का बजट एनालिसिस लाते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह के वीडियोज़ मेरे चैनल्स पर देख पाएँ। और अगर आपने आपके फेवरेट जोन को ऑलरेडी अगर कवर किया जा चुका है तो वो वीडियो भी आप इसके बाद देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।